नमस्कार जोहार, मैं पायन त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया समेत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं 5 मिनट में 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने कामकाज संभाला, पहली फाइल पर साइन किए। तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक आज, मंत्रियों के विभाग बांटे जा सकते हैं। कश्मीर में वैष्णो देवी जा रही बस पर आतंकी हमला, 2 हमलावर सेना जैसी वर्दी में थे, 25 से 30 गोलियां चलाई, बस खाई में गिरी, 9 मौतें। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं को ले जा रही बस पर रविवार शाम को मोदी के शपथ ग्रहण से 1 घंटा पहले 6:15 बजे हमला किया। इसमें ड्राइवर और कंडक्टर समेत 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग घायल हो गए। जेएमएम नेता अंतु तिर्की, प्रिय रंजन सहाय समेत 10 के खिलाफ दायर चार्जशीट पर 13 जून को संज्ञान ले सकता है कोर्ट। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े भूमि घोटाला और मनी मामले में ईडी ने जिन 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, उस पर पीएमएलए की विशेष अदालत 13 जून को संज्ञान ले सकती है। रेल कर्मियों के लिए खुशखबरी, अब बढ़कर मिलेंगे सभी भत्ते, रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश। रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, अब उन्हें बढ़ी हुई महंगाई दर के अनुपात में अन्य सभी भत्तों का लाभ मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। स्कूल कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई। स्कूल कॉलेज से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानों को हटाया जाएगा, ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई भी की जाएगी। रांची पुलिस की कार्रवाई, पीएलएफआई के एरिया कमांडर समेत 5 उग्रवादी गिरफ्तार। आपराधिक और नक्सली संगठनों के खिलाफ रांची पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर समेत 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। बिहार में स्टूडेंट की गर्मी से तबीयत बिगड़ी, एमपी यूपी समेत 5 राज्यों में 5 दिन हीट वेव चलेगी। मुंबई में 2 दिन पहले पहुंचा मानसून। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, बिहार में हीट वेव चल रही है। आज से बिहार के सरकारी स्कूल खुल गए हैं। गर्मी की वजह से फिर से स्कूलों में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी है। शेखपुरा में 6, छपरा में 1, पटना में बिहटा में 1 और बक्सर में 1 छात्रा की तबीयत खराब हो गई थी। मणिपुर में सीएम के काफिले पर हमला, 2 सुरक्षा कर्मी घायल, मुख्यमंत्री काफिले में नहीं थे। मणिपुर के कांगपोकली जिले में कोटलेन के पास उग्रवादियों ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के एडवांस प्रारूपी टीम पर हमला कर दिया। जब हमला हुआ तब मुख्यमंत्री काफिले में नहीं थे। मुख्यमंत्री का मणिपुर के हिंसा प्रभावित जिरीबाम जिले का दौरे करने का कार्यक्रम है, इसलिए मुख्यमंत्री के रवाना होने से पहले एक एडवांस टीम भेजी गई थी। जब सुरक्षा काफिला कोटलेन पहुंचा तो संदिग्ध मिलेनियम ने काफिले पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 2 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। दिल्ली जल संकट पर सुनवाई 12 जून तक टली, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, कहा अदालती कार्रवाई को हल्के में न ले। दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 12 जून तक टाल दी गई है। सोमवार को कोर्ट ने याचिका में खामियों को दूर नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा अदालती कार्रवाई को हल्के में ना लें। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले के वेकेशन बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार की याचिका में खामी के कारण रजिस्ट्री में हलफनामे स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। एनटीए ने अपना चेयरमैन को सौंपा नीट जांच का जिम्मा, शिक्षा मंत्रालय ने कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विशेषज्ञ हैं, इसलिए कमेटी में चयन हुआ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का जिम्मा अपनी ही गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी को जांच पैनल का अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले शनिवार को शिक्षा सचिव संजय मूर्ति व एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में जांच का ऐलान किया था। ब्रजभूषण का दबदबा घटाने के लिए कीर्ति वर्धन की एंट्री, सांसद आधे हुए फिर भी मंत्री 8% बढ़े, मोदी कैबिनेट में यूपी के मंत्रियों का एनालिसिस। मोदी मंत्रिमंडल में यूपी के 10 चेहरे हैं, इनमें 9 यूपी के हैं, 1 मंत्री हरदीप पुरी पंजाब के हैं, लेकिन राज्यसभा सांसद यूपी से है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के जरिए यूपी के जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश की। मोदी मंत्रिमंडल का सबसे चौंकाने वाला नाम गोंडा सीट से सांसद कीर्तिवर्धन सिंह का है। सियासी जानकारों का कहना है कि ठाकुरों की नाराजगी दूर करने और उस क्षेत्र में ब्रजभूषण सिंह का दबदबा घटाने के लिए कीर्तिवर्धन की कैबिनेट में एंट्री कराई गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,008 रुपए सस्ता हुआ, ये 70,905 रुपए में बिक रहा। 1 किलो चांदी 1,992 घटकर 88,054 पर आई।
सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 10 जून को गिरावट आई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1008 रुपए सस्ता होकर 70905 रुपए पर आ गया है। वही 1 किलो चांदी 1992 रुपए घटकर 88543 रुपए में बिक रही है। सेंसेक्स 386 पॉइंट गिरकर 77079 के रिकॉर्ड पर हाई पर। निफ्टी ने भी 23411 का ऑल टाइम हाई बनाया। 21.3% ऊपर 165 रुपए पर लिस्ट हुआ क्रोनोक्स लैब। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज सोमवार 10 जून को सेंसेक्स 386 अंक चढ़कर 77079 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। निफ्टी में भी 121 अंकों की तेजी आई है, यह भी 23411 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। हालांकि अब बाजार में मामूली गिरावट है। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी कैबिनेट छोड़ना चाहते हैं, शपथ के बाद बोले फिल्मों में काम करना है। केरल से भाजपा के पहले सांसद है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में राज्य मंत्री बने सुरेश गोपी कैबिनेट में नहीं रहना चाहते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद गोपी ने दिल्ली में मलयालम टीवी चैनल से कहा, मैं एक सांसद के रूप में काम करना चाहता हूं, मैं कैबिनेट का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। उन्होंने आगे कहा कि मैंने पार्टी को बता दिया था कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सरकार बनते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने किए 17वीं किश्त के फाइल पर साइन, इन किसानों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक 16 किस्त जारी हो चुकी है और अब बारी 17वीं किस्त की है। वहीं मोदी सरकार बनते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने 17वीं किस्त जारी होने पर की फाइल पर साइन कर दिए हैं, यानी अब जल्द ही योजना से जुड़े करोड़ों किसानों को किस्त का लाभ मिल पाएगा। मिलावटी सामान की जांच के लिए अगले सप्ताह से चलेगा अभियान। रांची जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ अगले सप्ताह से अभियान चलाया जाएगा। इस बार शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस अभियान के तहत कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण इलाकों में मिलावटी सामान के कारोबार की लगातार शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने इस तरह का अभियान चलाने का निर्णय लिया है। CNT-SPT एक्ट राज्य के आदिवासियों का सुरक्षा कवच। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि CNT-SPT एक्ट राज्य के आदिवासी और मूलवासियों का सुरक्षा कवच है।